हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फ्लाइंग टुगेदर विथ योर टीचर पूनम ठाकुर। सो आज हम करने वाले हैं क्लास फिफ्थ की हिंदी पाठ एक, राख की रस्सी। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगे, थोड़ा भी पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दी गई बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो शुरू करते हैं। राख की रस्सी। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोन गवसेन गांपो के मंत्री थे। लोनपोगार कौन थे? एक राजा थे क्या? नहीं, लोनपोगार क्या थे? एक मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वो अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी, जैसे आपने अकबर और बीरबल की बहुत सारी कहानी सुनी होंगी, है ना? तो अकबर और बीरबल में क्या था? अकबर जो थे वो राजा थे और बीरबल क्या थे? मंत्री थे। और बीरबल कैसे थे? बहुत ज़्यादा चालाक थे, बहुत ज़्यादा हाजिर जवाबी थे। अब हाजिर जवाबी का मतलब क्या होता है? हाजिर जवाबी का मतलब होता है कि उनसे कोई भी प्रश्न पूछ लो, कैसा भी प्रश्न घुमा लो, वो तुरंत उसका उत्तर देंगे, ठीक है, कैसा भी प्रश्न हो। तो लोनपोगार भी कैसे थे? बहुत ही ज़्यादा हाजिर जवाबी थे। कोई उनके सामने टिकता ना था, कोई भी नहीं टिकता था। कोई भी कैसा भी प्रश्न पूछ ले, वो बिल्कुल हाजिर जवाबी से उसका उत्तर या कोई भी प्रश्न, कोई भी समस्या का समाधान करते थे। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। वैसे तो लोनपोगार की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन क्या हुआ, लोनपोगार एक ही चीज़ से परेशान थे कि उनका बेटा बहुत भोला है। लोनपोगार जितने ज़्यादा चालाक थे, उनका बेटा उतना ही ज़्यादा भोला था। मतलब लोनपोगार जितने हाजिर जवाबी थे, उन लोनपोगार के बेटे को उतना ही पता नहीं था दुनियादारी का, ठीक है। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। व्यंग है कि वो इतना ज़्यादा भोला था कि चीज़ों को समझ भी नहीं पाता था, ठीक है। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका कैसे काम चलेगा। जैसे हमारे माँ बाप भी सोचते हैं कि हमारे बच्चों का कैसे काम चलेगा। अब वो बोलता है, मैं हूँ तब तक तो ठीक है, लेकिन मेरे बाद इसका क्या होगा? ये तो बिल्कुल भोला भाला है, सीधा साधा है, कैसे, लोग तो इसे ठक्कर चले जाएंगे, ठीक है। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। उन्होंने कहा कि भाई अभी तुम कहाँ जाओ? बाजार जाओ, बाजार जाओ और 100 भेड़े लेकर जाओ, पर शर्त यह है कि ना तो तुम उन्हें मार सकते हो, ना ही उन्हें बेच सकते हो। एक भी भेड़ को आप बेच नहीं सकते, और आपको आना है वापस किसके साथ? 100 बोरे जौ के साथ, ठीक है। जौ एक प्रकार का अनाज होता है, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। अब जैसे आप लोग को क्या मिला? होमवर्क मिला। अब आपकी मम्मा क्या बोलती है? ये इतना काम पूरा करो, उसके बाद ही टीवी चालू होगी। अगर आप ये काम नहीं करते हो तो आपको टीवी देखने नहीं दिया जाएगा। वैसे ही लोनपोगार के पिता ने उनसे क्या बोल दिया कि जाओ बाजार जाओ, ये भेड़ों के साथ जाओ, और जब तक ये भेड़ आप बेच के नहीं आते, तब तक इस घर पे आने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें घर में ही नहीं घुसने दूंगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। उसके बाद क्या बोला कि जाओ भैया तुम शहर जाओ। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंचा, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। अब देखो, लोनपोगार ने किसके साथ भेजा? उसको भेड़ दे दिया, बोरे दे दिए, और शर्त भी दे दी। क्या शर्त? कि बेचना नहीं है और ना ही मारना है, बेचना भी नहीं है, पूरी 100 भेड़ों के साथ आना है। तब लोनपोगार का बेटा इतना भोला था, वो सोचने लगा, यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, अब मैं 100 बोरे जौ कहाँ से खरीदूंगा? बहुत सोचा कैसे खरीद सकता हूँ, बहुत सोचा, मगर उसको कोई हल समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी उसके सामने लड़की आ खड़ी हुई और पूछी, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? जैसे क्या हुआ, अब आपका होमवर्क है बहुत सारा, अब मम्मा ने तो बोल दी टीवी
टीवी देखना कब, जब आपका वर्क पूरा हो। अब आप बोल रहे हो, अब दुखी होके बैठ गए, कैसे करूंगा, कैसे पढ़ूं इतना सारा। उतने में ही आपकी बड़ी बहन आ गई। बहन क्या बोल रही है कि क्या हो गया, क्या क्यों दुखी हो? तो आप बोलोगे, दीदी कर देना थोड़ा सा काम, मुझसे बहुत सारा है, नहीं हो रहा। तो आपकी दीदी बोलती, ठीक है चल ला मैं कर दे रही हूँ। ठीक है, वैसे ही उसके सामने कौन आ गई, एक लड़की आके खड़े हो गई। लोनपोगार ने सो बता लोनपोगार ने अपनी अपनी समस्या उस अपनी जो सामने लड़की आके खड़ी हुई थी उसको बताया। उतने में लड़की ने बोला कि इसमें दुखी होने जैसी तो कोई बात नहीं समझ में आ रही मुझे, इतने दुखी मत हो, मैं इसका हल बता देती हूँ। जैसे आपकी दीदी ने बोला ना, तू टेंशन मत ले, तू परेशान मत हो, चल मैं करवा लेती हूँ, वैसे ही लोनपोगार के बेटे की मदद किसने करी, एक लड़की ने। उसने कहा कि तुम परेशान मत हो, चलो हम देख लेते क्या हल होगा इसका। ठीक है, इतना कहकर भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। और लड़की थी चालाक। अब भेड़ के बाल किस काम के लिए आते हैं, किस काम के उपयोग में आते हैं? भेड़ के बाल उपयोग में आते हैं ऊन निकालने के लिए। भेड़ के बाल से क्या बनता है? ऊन बनता है। और ऊन से क्या बनती है? शॉल बनती है, स्वेटर बनती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, भेड़ के बाल निकाल लिए। ठीक है, उनसे जो रुपए मिले, जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। अब उसने क्या किया कि जो भी पैसे मिले थे ना उससे, उसको किससे, बाल को बेचने से, उससे 100 बोरे जौ खरीदा और उसको घर वापस भेज दिया। जैसे आपकी बहन ने क्या किया, आपकी मदद करा दी। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे। अब आप जैसे आप बहुत खुश हो के अपनी मम्मा के पास गए, मम्मा मम्मा देखो काम तो हो गया ना, आपको काम से मतलब था, किसने किया उससे नहीं। वैसे ही लोनपोगार का बेटा बोला, अब तो मेरे पिताजी क्या होंगे, बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन उसकी बातों पर कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था कि वो बता क्या रहा है। ठीक है, वे उठकर कमरे के बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया, अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ और उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। अब दूसरे दिन उन्होंने उसे बुलाया और कहा कि देखो तुमने क्या किए थे, कल तुमने ना उनके बाल उतार दिए थे, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था उनके बाल ऐसे उतारना, अब तुम जाओ फिर से उन्हीं भेड़ को लेके जाओ और करना उनको जौ के 100 बोरे लेकर आना। ठीक है, जैसे आपके साथ भी यही हुआ, आपने मम्मा को वर्क दिखाया कि मम्मा देखो मैंने वर्क किया, आपकी मम्मा ने कहा कि नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तुम क्या सोचते हो कि मुझे पता नहीं चला ये वर्क किसने किया, तुम्हारी बहन ने किया है, अब तुम फिर से उसको करो। ठीक है, एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह पर बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, वह लड़की आई। क्या हुआ, अब लोनपोगार का बेटा फिर से बहुत दुखी होकर वहीं जाके बैठ गया। उसे भरोसा था कि फिर से वो लड़की आएगी। देखो कहाँ बैठा, जाके देखते हैं। यहाँ पर देखो लोनपोकार का बेटा दुखी होके बैठा है कि अब मैं कैसा करूं, और उतने में ही ये लड़की उसके पास आ गई, क्योंकि उसको यकीन था कि वो लड़की जरूर आएगी, एक बार मेरी मदद की है तो भी फिर से वो जरूर करेगी। देखो यहाँ पर भेड़ भी हैं, है ना, वो बिल फिर से मेरी मदद करेगी। अब फिर से लड़की आई और पूछती है कि क्यों, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? तो उसने फिर से बताया कि देखो हमने पिछले बार तो बाल बेच दिए थे, अब क्या करेंगे, अब कैसे पैसे आएंगे, अब क्या होगा, फिर क्या हुआ देखते हैं। तो लड़की को उसने बताया कि देखो पिताजी ने मुझे घर में घुसने, अब प्लीज फिर से मेरी मदद कर दो, नहीं तो पिताजी मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। तो लड़की ने सोचकर बोली, एक तरीका है। लड़की बोली कि चल ठीक है, अब बाल तो है नहीं, चलो क्या कर सकते हैं हम, एक तरीका है। उसे भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। अब क्या करी उसने, भेड़ों की सींग बेच दी। भेड़ों की सींग भी दवाई के लिए यूजफुल होती है, काम आती है। तो उसने क्या किया कि बेच दिया, भेड़ के सींग बेच दिए और बोल दिए कि चलो अब इसे बाजार में लेकर जाओ, वो घर लेकर जाओ और
अपने पिताजी को दिखाना। जैसे दोबारा भी क्या हुआ, अब तुम्हारी बहन ने वर्क नहीं किया, उसने क्या किया, बस तुम्हारी मदद की और बोली कि जाओ अब मम्मा को दिखाना। ठीक है, भेड़ों और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोन पोगार का बेटा बहुत खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी सुनाई। सुनकर लोन पोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। बहुत ही अजीब शर्त नहीं है ये, राख की रस्सी थोड़ा ना होती है। पर लोन पोगार जब घर पहुंचा, बहुत खुश होके बताया कि पिताजी फिर से वो लड़की मिली थी और उसने मेरी मदद की। वो इतना भोला था कि बताया अपने पिताजी को, ठीक है, कि ऐसा वैसा हुआ था। तो पिताजी कुछ सोचे, फिर बोले, वो उस लड़की से बोलो कि 9 हाथ लंबी मुझे क्या चाहिए, राख की रस्सी दे। ठीक है, उसके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहराया। लड़की ने शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोन पोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना असंभव है, इसलिए उन्होंने शर्त मंजूर कर ली। क्या हुआ, अब फिर वो लोन पोगार का बेटा लड़की के पास गया, उसने बोला, तुम्हें पता है मेरे पिताजी ने कहा है कि तुम्हें 9 हाथ लंबी रस्सी बनाना है, लेकिन रस्सी ऐसी वैसी नहीं, मुझे राख की रस्सी चाहिए। तो लड़की कुछ सोची और बोलती, ठीक है मैं रस्सी बना तो दूंगी, लेकिन शर्त ये है कि उस रस्सी को तुम्हारे पिताजी को पहनना होगा गले में। बहुत अजीब बात है, लड़का तो समझ नहीं आ रहा था लड़के को कुछ। वो गया अपने पिताजी के पास, बोला कि ऐसी ऐसी बात है पिताजी। तो लोन पोगार ने सोचा कि नौ, वो भी बहुत होशियार तो थे, बहुत ज्यादा चालाक तो थे, वो भी जानते थे कि राख की रस्सी बनाना असंभव है, मुश्किल है, मतलब असंभव है, राख की रस्सी थोड़ा ना होती है, मैं तो ऐसा ही बोल दिया। तो उन्होंने भी क्या बोले, चलो ठीक है मैं भी ये शर्त मान लेता हूं कि मैं उसको गले पर पहन लूंगा। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई, वह सिल समेत लोन पोगार के पास ले गई। बोला अगले दिन क्या हुआ, एक पत्थर ली लड़की ने, कैसे ली दिखाती हूँ मैं आपको, देखो, उसने एक पत्थर लिया और पत्थर पे रस्सी रख दी। अब रस्सी को जला दिया तो रस्सी का निशान बन जाएगा ना पत्थर पे। अब वो आ गई लोनपोगार के पास लेके उसे और बोली कि अब लोनपोगार जी आप इसे पहनिए, मेरी शर्त यही थी कि मैं राख की रस्सी तो बना दूंगी पर उसे पहनना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे लोनपोगार उसकी समझदारी के सामने उनकी चालाकी धरी रह गई। लोन पोगार इतने चालाक थे, इतने होशियार थे, पर उस लड़की की चालाकी के आगे उनकी समझदारी धरी की धरी रह गई। उन्होंने बिना वक्त गवाए लोन पोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव रखा और फिर उन दोनों की शादी धूमधाम से कराई। हुआ वही कि भाई अब लड़की इतनी चालाक थी, इतनी समझदार थी कि लोन पोगार की जो चालाकी थी वो क्या रह गई, धरी की धरी रह गई। और फिर लोनपोगार की चिंता मिट गई कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा, और उन्होंने उन दोनों की शादी करा दी। इस कहानी से हम कुछ सीखे क्या? हाँ, हमने सीखा कि अगर हम थोड़ी सी भी बुद्धिमानी, थोड़ी सी भी चालाकी, थोड़ा सा भी आसपास को ध्यान में रखकर कोई भी चीजें करें, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो नामुमकिन है। अब देखो, उस लड़की ने राख की रस्सी तक बना दी। वो अलग बात है कि राख की रस्सी छूने पे ही टूट जाएगी, उसको पहनना तो नामुमकिन था, पर ये होती है समझदारी। थोड़ा सा भी चीजों को आसपास देखकर, बच्चों, अगर हम चीजों को समझेंगे तो वो हमें मुश्किल नहीं लगेगी। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मुश्किल हो या नामुमकिन हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं, सब कुछ प्रयत्न अभ्यास से सब कुछ हो जाता है। ठीक है, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, आपको ये पाठ अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो में हम पाठ के अंदर के प्रश्न करेंगे, वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें ताकि आप अपना नॉलेज कि हम इस पाठ से क्या सीखे वो चेक कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू।